नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ राजेश्वर सिंह मौजूद है। राजेश्वर सिंह एक ऐसा नाम है जिन्होंने भाजपा का दामन थामते ही एक हलचल की मचा दी। ये सरोजी नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भी चुने गए हैं, हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर प्रभा साक्षी, पहले तो आपका मैं स्वागत करूँगा। दूसरा, सरोजी नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति आपका क्या रुझान रहा है? आपने लगभग चुनाव में एक एक गलियां लोगों से मुलाकात भी कर ली, जनसभाएं भी की, क्या रुझान रहा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से आपका? जनता का अपार स्नेह मिला है, अपार समर्थन मिला है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ अभूतपूर्व जीत होने जा रही है। हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह बन के चुनाव लड़ा है और पार्टी यहाँ 1,00,000 वोटों से चुनाव जीतेगी। क्या कुछ ऐसी समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ा? जनता ने अपनी समस्याएं बताई होंगी कि भाई किसी सपा सरकार में कुछ ऐसे काम नहीं हुए जो हम आपसे उम्मीद रखते हैं काम को लेकर, क्या कुछ काम ऐसा कुछ आपके सामने आई है? नहीं बताया, कहीं पे जल भराव की समस्या है, कहीं पे कुछ और समस्या है। जनता ने मतलब दिया तो समस्याएं बताई, उनका 10 तारीख के बाद प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। चुनावी घोषणा की अगर बात करें, सभी पार्टी ने अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र निकाल दिए हैं। कोई भाजपा से बढ़कर निकाल रहा है, सपा ने निकाला है, कांग्रेस ने निकाला, तो चुनावी घोषणा पत्र का क्या विपक्ष पार्टियों को कितना उनको फायदा मिलेगा? घोषणा पत्र तो सबको निकालना चाहिए, पता रहे क्या करना चाहते हैं, क्या उनका विजन है। अब समाजवादी पार्टी की तरह घोटाला पत्र नहीं निकालना चाहिए। कहते हैं पेंशन देंगे, समाजवादी पेंशन घोटाला हुआ। कहते हैं राशन देंगे, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का राशन घोटाला, खाद्यान्न घोटाला उनके टाइम में हुआ। कहते हैं दवाइयाँ देंगे, NRHM घोटाला चलता रहा, सारे घोटाले उनके टाइम में चलते रहे। संकल्प पत्र निकालना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र निकालती है। बहुत अच्छा संकल्प लिया है, 1 करोड़ बेटियों को स्वरोजगार के लिए लोन दिलाएंगे, स्नातक के ऊपर जितनी बेटियाँ पढ़ रही हैं उनको मुफ्त में स्कूटी देंगे, किसानों के लिए बिजली का बिल माफ करेंगे, सिंचाई के लिए संकल्प पत्र बहुत अच्छा। कांग्रेस महिलाओं को टारगेट कर रही थी, महिलाओं को लेकर कि महिलाओं को हम सबसे आगे रखेंगे, ज़्यादातर उनको टिकट देंगे, क्या उनको महिलाओं को लेकर कुछ फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को? कांग्रेस नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी है, पॉलिटिकल टूरिज्म में विश्वास करती है, पॉलिटिक्स में विश्वास करती है। वो खाली घूमने फिरने आते हैं कांग्रेस के नेता, घूम फिर के चले जाते हैं। अभिषेक मिश्रा का कहना है कि राजेश्वर जी IAS अधिकारी रहे, उनको जनता के बीच में क्या मालूम, मैं प्रोफेसर रहा हूँ, पहले भी यहाँ पर जीत चुका हूँ, मैं जनता के बीच में रहा हूँ, मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्या वो परिणाम बताएगा क्या होता है? परिणाम का इंतजार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं। शुक्रिया बात करने की। तो ये थे हमारे साथ राजेश्वर सिंह जी, जो 10 मार्च का परिणाम के बाद ही डिसाइड हो जाएगा और सबकी बोलती बंद भी हो जाएगी। वीडियो जल्दी अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह प्रवासा लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।